भारत में मेडिकल एजुकेशन का अंदाज आने वाले समय में तेजी से बदलने के लिए तैयार है। आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए अब देश में मेडिकल की पढ़ाई में क्लाइमेट चेंज जैसी नई समस्याओं को भी शामिल किया जाएगा। इसे शामिल करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC और दूसरी मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी संस्थाएं एक पैनल बनाकर इस पर चर्चा करेंगी कि इसे किस तरह से भारत में मेडिकल कोर्स का हिस्सा बनाया जाए। योजना के मुताबिक NCDC, NMC, आयुष, डेंटल काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल मिलकर ये काम करेंगी। इन संस्थाओं को देखना होगा कि कैसे क्लाइमेट चेंज और इसके सेहत पर असर को MBBS और BDS कोर्स के सिलेबस में शामिल किया जा सकेगा। इसके बाद इसे मेडिकल कोर्स का हिस्सा बनाए जाने से लेकर छात्रों को पर्यावरण के हेल्थ के बारे में पढ़ाने तक का जिम्मा ये मिलकर निभाएंगी। ज्यादातर मरीजों से स्मोकिंग और अल्कोहल के बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन ये जानने की कोशिश कम होती है कि वो कैसे वातावरण में काम करता है। लेकिन इसे मेडिकल कोर्स में शामिल करके ये तय किया जाएगा कि क्लाइमेट में हो रहे बदलावों का लोगों की सेहत पर जो असर हो रहा है वो मेडिकल जांच का हिस्सा जरूर बने। डॉक्टर्स कोर्स में इस बारे में पढ़कर आएंगे तो वो क्लाइमेट चेंज के सेहत पर पड़ रहे असर को लेकर जागरूक रहेंगे। क्लाइमेट चेंज को मेडिकल कोर्स में शामिल करने का फैसला हीट वेव और इसके प्रभाव पर IIT बॉम्बे में हुई 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद लिया गया है। IIT बॉम्बे में एक्सपर्ट्स की वर्कशॉप के बाद कहा गया कि हीट वेव की तीव्रता क्लाइमेट चेंज के बाद आने वाले समय में बढ़ने की आशंका है। ऐसे में इसके सेहत पर होने वाले असर को समझने की गंभीरता से जरूरत है। इसलिए ये तय किया गया है कि भविष्य के डॉक्टर्स को इस तरह के हालात को संभालने की तैयारी करवाई जाए। इससे मरीजों को क्लाइमेट चेंज से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर उनका सही इलाज किया जा सकेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।